नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दाद और खुजली से छुटकारा पाने के 3 आसान नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिसे केवल 5 दिन करके आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बताने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ में शरीर रोग संबंधित हम आपको और जानकारियां दे पाएँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आजकल के खाने पीने की वजह से, आजकल के वातावरण की वजह से दाद, खाज और खुजली जैसी समस्याओं से लोग काफ़ी परेशान हैं। यह तकलीफ किसी भी उम्र में प्रारंभ हो सकती है, परंतु इससे छुटकारा पाना बेहद कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए दाद, खाज तथा खुजली से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाने से आपको तुरंत लाभ प्राप्त होगा। पहला, केले को मसल कर उसमें नींबू का रस मिला लें और तकलीफ वाली हिस्से पर लगाएं। दोस्तों, ऐसे में आपको थोड़ी जलन होगी, परंतु कुछ दिनों के नियमित प्रयोग से आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, नुस्खा नंबर 2। दोस्तों, आपने नीम के बारे में तो सुना ही होगा, सदियों से इस बीमारी में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यदि नीम के साथ थोड़ा दही मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाया जाए तो इसका असर 4 गुना बढ़ जाता है। और दोस्तों, इस उपाय को आपको कम से कम 10 से 15 दिन अवश्य इस्तेमाल करना है, आपको अवश्य ही लाभ होगा। दोस्तों, नुस्खा नंबर 3, जैतून के तेल में हल्दी मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाने से आपको जल्द ही लाभ दिखाई देगा। परंतु दोस्तों, इसके लिए जैतून के तेल में आपको हल्दी मिलाकर पेस्ट बनाना होगा और इसे दाद वाले हिस्से पर 4 से 6 घंटे लगाकर रखना होगा। फिर उसे पानी से अच्छे से साफ कर लें। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको दिन में 2 बार कम से कम 1 हफ्ते तक करना होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान नुस्खे जिससे आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको आगे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।